क्या दिल्ली की बाढ़ के पीछे कोई षड्यंत्र है? आपने बीजेपी पर लगाए कैसे संगीन आरोप? कि दिल्ली में पिछले 3 दिनों से बारिश नहीं हुई, और अगर 3 दिनों से बारिश नहीं हुई तो बाढ़ का कारण क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह क्या है? इस बाढ़ के पीछे की वजह है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की दिल्ली के प्रति दुर्भावना। इस बाढ़ के पीछे वजह है केंद्र सरकार की दिल्ली को बर्बाद करने की साजिश। इस बाढ़ के पीछे वजह है मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के मन में छिपी हुई नफरत। आज दिल्ली के अंदर बगैर बारिश के ये बाढ़ जो है, और जो खतरे के निशान से पानी ऊपर चला गया, ये बाढ़ प्रायोजित बाढ़ है। ये आपदा प्रायोजित की गई आपदा है। मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ आपको बताना चाहता हूं, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी तो 5 राज्यों को उनके हालत पे अनाथ छोड़ के भाग गए फ्रांस, वो तो सैर पे निकल गए फ्रांस की। ऐसे समय में जब देश के 5 राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल बाढ़ की तबाही झेल रहे हैं, ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री भारत छोड़ के फ्रांस की सैर पे निकल गए। हरियाणा हथनी कुंड बैराज, एक पानी दिल्ली की यमुना में आता है, एक पानी उत्तर प्रदेश के रास्ते जाता है, एक पानी कैनाल के रास्ते हरियाणा की तरफ जाता है। बेहतर यह होता कि बाढ़ की स्थिति थी तो तीनों रास्तों में अगर बराबर की आप पानी छोड़ते तो दिल्ली भी सुरक्षित रहता, हरियाणा भी सुरक्षित रहता और उत्तर प्रदेश का इलाका भी सुरक्षित रहता। लेकिन बीजेपी के मन में जो नफरत और दुर्भावना है उसके कारण उन्होंने सोचा कुछ भी हो जाए बस दिल्ली को बर्बाद करना है, यहीं पे पूरा पानी छोड़ दो। और मैं पूरे लॉकशीट के साथ आपको बता रहा हूं, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, 9 तारीख से लगातार हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तरफ जाने वाले पानी को रोक दिया गया और पूरा का पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया। 9 तारीख से लगातार 13 तारीख तक सारा का सारा पानी हथनी कुंड बैराज से दिल्ली की तरफ छोड़ा गया कि दिल्ली को बाढ़ में झोंक दो, दिल्ली को डुबा देना है पूरी तरीके से। यह तो बहुत अच्छा है कि अरविंद केजरीवाल जी की एक संवेदनशील सरकार है, यहां पे संवेदनशील मंत्रियों का समूह है, विधायक है, पार्षद है, हमारे कार्यकर्ता हैं जो इन परिस्थितियों को नियंत्रित करने के लिए काम कर रहे हैं। वरना 78 से भी ज्यादा भयावह स्थिति अगर पानी छोड़ने की है और पानी आ गया है यहां पर तो ऐसे में तो पूरी दिल्ली डूब जाती। लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हैं बीजेपी के लोग? आपको भी 7 सांसद दिल्ली के लोगों ने जिताया है। आज बेहतर होता वो 7ों सांसद हरियाणा के सरकार से अपील करते, प्रधानमंत्री जी से अपील करते कि भाई पानी बराबर बराबर छोड़ा जाए, सारा पानी दिल्ली की तरफ क्यों छोड़ रहे हैं? अरे यहां भी यूपी वाले रहते हैं, यहां भी हरियाणा वाले रहते हैं, और अगर आप तीनों तरफ पानी बराबर बराबर छोड़ते तो इतनी भयावह स्थिति नहीं पैदा होती।